ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुखों का सागर हमारे लिए सुखों की सौगात लेकर आया है। हम सुखों के दाता के बच्चे हैं, तो संपूर्ण सुखों पर भी हमारा अधिकार है। हम रोज उठते ही याद किया करें, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं, स्वयं भगवान सुख बांटने के लिए मेरे पास आए हुए हैं, तो मुझे सुख भरा जीवन जीना है। दुख की छाया से, दुखों के स्पर्श से हमें मुक्त रहना है। दुखों की बातें तो आती हैं, देह में रोग शोक भी आते हैं, परिवारों में भी समस्याएं आती हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई आपका बार बार अपमान करता है, कोई आपको कष्ट पहुंचाता है, कोई आपको धोखा देता है, अपनों से आपको अपनापन नहीं मिलता, धोखा मिलता है, तो दुख तो हो सकता है, परंतु हम सुख स्वरूप हैं, हम दुख हरता हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। इस स्मृति से हमें अपने को बहुत सुखी बनाकर रखना है और याद रखना है, जो लंबा काल स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरेंगे, जो सुखी रहेंगे, वो दूसरों के दुख हरता बन जाएंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता जा रहा है। विनाश की लंबी चौड़ी प्रक्रिया से हम सबको गुजरना है, तो विभिन्न परिस्थितियों में हम दुख से मुक्त रहें और दुखी आत्माओं को निरंतर मदद करते चलें। तो सवेरे उठकर स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर कर दें, प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें, फिर ईश्वरीय महावाक्यों का सुख प्राप्त करें, बाबा से रूधिहान करें और सुखी जीवन जीने की कला सीख लें। ये भी एक कला है, सरलता, मुस्कुराते रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, दूसरों को सुख देते हुए चलना और सबके प्रति अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को भी श्रेष्ठ रखना। इनसे हमारा जीवन सदा सुखों के, खुशियों के झूले में झूलता रहेगा। तो बाबा तो हमारे लिए खुशियों का झूला लेकर आया है, उसकी गोद का झूला भी हमारे लिए बहुत सुखद है। यदि हम छोटे बच्चे बन जाएं और बाबा की गोद में झूलने लगें, तो उससे बड़ा सुख तो चारों युगों में कुछ भी नहीं होगा। तो आइए हम छोटे बन जाएं, हम जो बड़े बन गए हैं, बहुत जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, उसको उतार कर बाबा की गोद में आ जाएं, छोटे बच्चे बन जाएं। जैसे छोटे बच्चों को कोई चिंता नहीं होती, उनका जीवन बिल्कुल निश्चिंत होता है, उनकी चिंता माँ बाप करें, वो क्यों चिंता करें, सबको इसका अनुभव है। तो हम भी बाबा के हाथों में स्वयं को सौंप दें और निश्चिंत जीवन जिए। भविष्य ऐसा सुंदर हमें मिलने जा रहा है कि दो युग तक हमें कमाई की कोई चिंता नहीं होगी, कमाई करनी नहीं पड़ेगी, हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे। लेकिन उससे पहले यहीं पर हम बेफिक्र बादशाह बन जाएं, बादशाहों की तरह संसार में जिए और याद रखें, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, जो कुछ हो रहा है वो तो हमने करोड़ों बार देखा है, तो जैसे बाबा साक्षी है, बहुत हल्का है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं हो रहा है। वैसे ही हमें भी ड्रामा के ज्ञान को यूज करके बहुत हल्के रहना है। तो आज सारा दिन
हम इस स्मृति में रहेंगे, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, वो तो हमने करोड़ों बार देखा है, नथिंग न्यू। और इस संकल्प से हम बहुत हल्के रहकर साक्षी भाव में आ जाएंगे और अपने जीवन को आनंद से, सुखों से भरपूर करेंगे। तो आज सारा दिन बार बार याद करेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। और देखेंगे ऊपर, बाबा मुस्कुरा रहे हैं और दृष्टि दे रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।